धर्मेंद्र मिश्रा, धर्मेंद्र जी ये बताइए कि गवर्नमेंट ने अमृत योजना के तहत एक प्लांट यहाँ पे बना रही है देवारा में, उन्नाव को भी पानी सप्लाई मिलेगा, किस तरह की आप लोग की खुशी है और पहले पानी को लेकर किस तरह की समस्या? हमारे यहाँ उन्नाव की बहुत विकास समस्या रही है, जिसमें थायराइड वगैरह गंदा पानी हम लोग को मिलता है पीने को, जिससे बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत बीमारियाँ यहाँ उत्पन्न हो रही हैं। सरकार की ये जो अमृत योजना है जो देवारा में डाली जा रही है, पानी उपजा करके हम लोग पानी दिया जाएगा, निश्चित तौर पर इससे हमें ही नहीं पूरे उन्नाव शहर को इससे लाभ मिलने वाला है। और ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है, ये पानी निकाल करके शुक्लागंज में और हम लोगों को ये अगर मिल जाएगा तो निश्चित तौर पर जो महामारी जैसी बीमारी जो उन्नाव शहर में व्याप्त है इस पर रोक लगेगी और हम लोगों को इसका स्वास्थ्य का लाभ भी अच्छा मिलेगा। सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है ये, इसकी पूरी पूरी मैं प्रशंसा करता हूँ अपने नगरवासियों की तरफ से, अच्छी योजना है सरकार। सर, उन्नाव लखनऊ और कानपुर के बीच में है जहाँ एंडीसेज एरिया ज़्यादा है, बुझाएंगे अब उन्नाव के लोगों की प्यास। अभी तक फ्लोराइड और क्रोमियम युक्त पानी पीने को मजबूर, उन्नाव के लोगों को मिलेगा अब शुद्ध पानी, क्योंकि उन्नाव में अमृत योजना के तहत 251 करोड़ का पानी का बड़ा पावर प्लांट बनने जा रहा है, जो उन्नाव समेत गंगा घाट के लाखों लोगों को देगा शुद्ध पानी। वहीं इस योजना को लेकर जहाँ लोगों में बेहद खुशी है, वहीं इंतजार है उस दिन का जिस दिन उन्हें प्रदूषित पानी पीने की बजाय मिलेगा शुद्ध पानी। उन्नाव से वीरेंद्र यादव, ईटीवी भारत।